सोलन में 13 मई को चुनावों से ठीक पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली को संबोधित करेंगे। ये रैली ठोडो मैदान में आयोजित की जाएगी। भाजपा का दावा है कि इस रैली में करीब 1 लाख कार्यकर्ता भाग लेंगे। इस रैली को लेकर कार्यकर्ताओं में भी जोश देखने को मिल रहा है। वहीं सुरक्षा एजेंसियां भी सोलन में पहुंच चुकी हैं। सोलन में 13 मई को चुनावों से ठीक पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली को संबोधित करेंगे। ये रैली ठोडो मैदान में आयोजित की जाएगी। भाजपा का दावा है कि इस रैली में करीब 1 लाख कार्यकर्ता भाग लेंगे। इस रैली को लेकर कार्यकर्ताओं में भारी जोश देखने को मिल रहा है। सुरक्षा एजेंसियों ने भी सोलन में डेरा डाल दिया है। सोलन में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया है और हर छोटी बड़ी हरकत पर पुलिस नजर रखे हुए है। निजी स्कूलों ने भी रैली वाले दिन छुट्टी घोषित कर दी है। अस्पताल में चिकित्सकों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष पवन गुप्ता ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री की सोलन में ये तीसरी रैली है। उन्होंने बताया कि जब जब नरेंद्र मोदी सोलन आए हैं तो भाजपा अवश्य जीती है और उनके आने से राजीव बिंदल और वीरेंद्र कश्यप ने जीत हासिल की थी। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बार भी उनके आने से जीत की लहर उठेगी और सुरेश कश्यप भी विजयी होंगे। 13 मई 2019 को सोलन के मां शून्य के नगर में एक ऐतिहासिक रैली होने जा रही है, जिसको भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी संबोधित करेंगे और उनके साथ प्रदेश के नेता माननीय धूमल जी, शांता कुमार जी, हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी और अन्य जो नेता हैं वो संबोधित करेंगे। और इस रैली को लेकर यहाँ तैयारियाँ चल रही हैं। हमारा ग्राउंड लगभग तैयार है और स्टेज जो है वो अब बनना शुरू हो गया है और कल शाम तक हम बिल्कुल कंप्लीट इसको कर लेंगे। और ये एक ऐतिहासिक रैली होगी और ये माननीय मोदी जी की सोलन में तीसरी, 2003 में, 2014 में और अब 2019 में रैली होने जा रही है। और मोदी जी ने जो दो रैलियां पहले की हैं उनमें पहली रैली माननीय राजीव बिंदल जी के पक्ष में की थी, वो चुनाव जीते। उसके बाद 2014 में माननीय वीरेंद्र कश्यप जी के पक्ष में की थी, वो भी चुनाव जीते। और अब हमें पूरी आशा है कि 2019 का जो चुनाव है वो माननीय सुरेश कश्यप जी जीतेंगे यहाँ से जो प्रत्याशी हैं। और साथ में ही हमारे माननीय मोदी जी फिर से एक बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे और फिर से एक बार मोदी सरकार बनेगी और राष्ट्र हित में जो अभी तक पिछले पाँच साल में काम हुआ है वही विकास का कार्य, वही राष्ट्र के लिए दोबारा से मोदी सरकार काम करेगी, ऐसा मेरा मानना। कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।